तो क्या एनडीए से गठबंधन तोड़ देंगे चिराग पासवान? आखिर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीतियों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से अब चिराग पासवान का मुंह भंग हो गया है? जी हां, इस वक्त चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। पहली बार जब उन्होंने विशेष राज्य की दर्जे की मांग की, उस वक्त भी माना जा रहा था कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाले आदेश का भी खिलाफत किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कोटे में कोटा, उसका भी विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन अब एक नए विवाद में चिराग पासवान कूद पड़े हैं। दरअसल लेटरल एंट्री, जिसका विरोध पूरी तरीके से इस वक्त विपक्ष कर रहा है, लेकिन अब इसके विरोध में चिराग पासवान भी जुड़ चुके हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की आलोचना की है। इसके साथ ही जो आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में इस तरह के प्रावधान जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। आपको बता दें कि लेटरल एंट्री के ऊपर जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं बयान जारी किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष के सुर से सुर मिलाते हुए इस वक्त चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से पटना में पासवान समाज के लोगों ने अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज होता है, उसकी खिलाफत करते हुए भी नजर आते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार की मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? चिराग पासवान लगातार एनडीए के खिलाफत क्यों कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो, वहां से शुरुआत होती है, उसके बाद विशेष पैकेज की हो, उसके बाद से देखा गया योगी आदित्यनाथ का वो आदेश कांवड़ यात्रा में जो है नेम प्लेट का जो विवाद था, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और अब लेटरल एंट्री की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त पे जब पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये सिराज की उनको भी पता है कि इस समय एनडीए के अंदर उनकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि बीजेपी के अगर पास में हम सीटों की बात करें 240 के आसपास नजर आती है। ऐसे में हर एक सीट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक दल बीजेपी के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दल भी नाराज होकर जाता है तो ये बीजेपी की जो चल रही सरकार है उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए देखा जा रहा है लगातार कि चिराग पासवान हर एक मुद्दे के ऊपर अपनी न सिर्फ राय रख रहे हैं बल्कि एनडीए के खिलाफ राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हर कोई ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि भाई चलिए जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, या तमाम जो दल हैं जो एनडीए के खिलाफ राजनीति करते हुए नजर आते हैं, वो तो ये बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आखिर चिराग पासवान इन सब बातों में इतना इन्वॉल्व क्यों होते हैं और जोर शोर से पूरे का पूरा मामला उठाते हुए नजर आते हैं? आप देखिए जिस तरह आरक्षण के ऊपर उन्होंने अभी फिर एक बार कहा है कि एक आईपीएस अधिकारी को अगर अपनी बारात चढ़ाने के लिए भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे समानता की बात कर सकते हैं, किस तरह से हम आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं, किस तरह से आरक्षण में हम क्रीमी लेयर की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो चिराग पासवान इसलिए भी उठा रहे हैं कि जो दलितों की राजनीति वो अब तक करते चले आ रहे हैं और दलितों का वोट बैंक उनको बिहार में मिलता रहा है, कहीं उनके हाथ से बोना छिटक जाए। इसीलिए हर मुद्दे को लेकर जो खासकर दलित वर्ग से जुड़ा हुआ है अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, जो एससी एसटी का जो पूरे का पूरा हम आरक्षण की बात करते हैं उसको लेकर जीतन राम मांझी ने भी कहा कि भाई ठीक है, कोर्ट ने जो कहा है वो अच्छा फैसला है। जेडीयू की तरफ से भी यही बात कही गई, लेकिन चिराग पासवान इकलौते ऐसे मेरे ख्याल से बिहार के जो एनडीए दल थे जिन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से भी अपील की और देखिए उनकी अपील का असर भी होता हुआ नजर आया। सरकार ने कहा कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ अध्यादेश लेकर आएंगे। देखिए वहाँ पर भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं सही साबित हुए और जिस तरह से अब डायरेक्ट भर्ती की जो बात आ रही है, चाहे वो सचिव हो चाहे वो निजी वो कह सकते हैं कि बिजनेस में जिस तरह से उनकी एंट्री होती है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई इससे तो जो आरक्षण है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बैकडोर से आप एक तरीके से ऐसे लोगों को लेकर आओगे जो आप जिन्हें आप पसंद करते हो, तो यहाँ पर आरक्षण का जो महत्व है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। और देखिए आज ही पीएम मोदी ने जो विज्ञापन जारी हुआ था इस भर्ती के लिए उस पर रोक लगा दी, तो यानी कि चिराग पासवान जो भी बात कहते हुए नजर आते हैं उसका असर भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए वो हर एक मुद्दे के ऊपर अपनी राय कायम करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अपनी अहमियत को
मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जो बिहार से लेकर और केंद्र तक अपनी अहमियत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चिराग पासवान की बातों में एक कह सकते हैं लाइन ऐसी है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास मंच है और मैं सरकार के सामने इस बात का ये जो मुद्दा है इसको उठाऊंगा। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान अपनी अहमियत को समझते हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो वैसाखियों के सहारे टिकी हुई है और कहीं ना कहीं उस वैसाखी का एक कह सकते हैं कि हिस्सा चिराग पासवान भी है। जी देखिए, बिल्कुल मुझे याद आता है वो वक्त जब चिराग पासवान को सीटें नहीं दी गई थी, उससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि जहां चिराग जाता है वहां उजाला अपने आप हो जाता है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अगर बीजेपी मुझे सीट देगी तब ठीक, नहीं देगी तब भी मैं कोई ना कोई अपनी राह बनाता हुआ नजर आऊंगा। उसके बाद बीजेपी ने उनके हक में फैसला किया कि भाई LJPR को हम 5 सीटें देंगे और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस उनको 1 भी सीट नहीं देने का फैसला किया। उसके बाद से लगातार जिससे पीएम मोदी ने भी कहा कि मैं चिराग पासवान के साथ में तूतड़ा कर लेता हूं क्योंकि मैं उनको अपने बेटे के तुल्य मानता हूं, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। साथ में हनुमान की लगातार बात चलने लगी कि स्थिति को संभालते हुए नजर आते हैं हमेशा जो चिराग पासवान। इसके बाद आप देखें पांचों की पांचों सीटें जो बिहार के अंदर चिराग पासवान जीते हुए नजर आते हैं, उसके बाद उनको मंत्रालय भी दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ उनकी अहमियत की बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि मोदी सरकार में उनकी अहमियत बढ़ी है और यहाँ पर पांचों की पांच सीटें जीते कहने के उन्होंने खुद को ये साबित भी करने का प्रयास किया कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी उनकी पार्टी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। और अभी से कहने का ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ी डिमांड वहाँ पर कर सकते हैं। और सुनने को तो ये भी आता है सिराज कि अगर चिराग पासवान ने ठीक ठाक फील्डिंग सजाई तो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री का फेस भी हो सकते हैं, क्योंकि JDU की तरफ से अब नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री के लिए या उस पद के लिए आगे जाएंगे। तो ऐसे में BJP का कौन सा बड़ा चेहरा होने वाला, ऐसा लगता नहीं कि वो कोई भी चेहरा इस लेवल पे हो जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा हो। तो ऐसे में चिराग पासवान का सीन NDA की तरफ से बन सकता है, इसीलिए वो अपनी आवाज़ को अभी से बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति रही है वो बदली बदली सी जरूर नजर आ रही है। 2019 के कार्यकाल की बात करें तो वहां पर चिराग पासवान इतनी मुखरता से अपनी बातों को नहीं रखते हुए नजर आते, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं जिस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद से कहा जाए तो जो योगी आदित्यनाथ का वो फैसला था उस पर भी सवाल उठाया, कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर जरूर है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटक जाएगा मेरे यहां से, या दलितों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की राह पर वो निकल चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार NDA के साथ रहते हुए भी दलितों और मुस्लिमों का काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। देखिए जाहिर बात है कि चिराग पासवान को पता है कि जो वोट बैंक उनके पास अगर वो उनका कह सकते हैं आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि उनके वोटों पे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए सेंधमारी हो सकती है। इसीलिए वो लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि जो भी वो बात कहते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई परिणाम निकल के भी सामने आता है। भाई जितना मांझी की बात करें तो हमेशा सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं, चाहे कोई बात भी आपने देखा विश्व राज्य के दर्जे की जब बात होती है कहते हैं कि भाई ये तो कानून में है ही नहीं, ये तो जो है गलत तरीके की मांग की जा रही है। इसके बाद जब आरक्षण की बात आती है कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन चिराग पासवान हमेशा इन सब बातों से अलग होते हुए दिखाई पड़ते हैं और सही को सही कहने का मेरे ख्याल से अभी वो अगर मादा रख रहे हैं, हौसला दिखा रहे हैं, तो रीजन यही है कि उनको पता है कि जो वोट बैंक उनके साथ है अगर वो उनको अपने साथ रखना है तो एक तरीके से उनके हक की बात उनको करनी पड़ेगी, उनकी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। इसीलिए चिराग पासवान आप देखिए कि हमेशा ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर सामने आते हैं। उनको ये भी पता है कि अगर इस तरह की बातें वो करेंगे तो हो सकता है कि BJP के लोग नाराज़ हो जाएं या NDA कुनबे के लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन उस सबको अनदेखा करते हुए चिराग पासवान इस तरह की बातों को रखते हैं, जो जाहिर बात है कि ये बताता है कि अब चिराग पासवान ने शायद बेखौफ होकर राजनीति करने की शुरुआत कर दी। उनको पता है कि भाई अगर मुझे 5 सीटें दी गई थी तो पाँचों की पाँचों सीटें जीतने का मतलब ये था कि 100% स्ट्राइक रेट, और वो ना तो BJP के पास है ना JDU के पास है। तो इसी मद्देनजर वो अपने आप को शायद ज्यादा मजबूत करने के लिए बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते ध्यान में रखते हुए शायद अभी से अपने आप को उस लेवल पे लेकर आ रहे हैं, चर्चाओं में लेकर आ रहे हैं, ताकि अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर NDA के अंदर बात हो तो उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे आता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, चिराग पासवान जिस तरीके से NDA की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, यूं कहें कि सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं अब उनकी मंशा पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अब दबाव में नजर आ रही है, लगातार केंद्र सरकार दबाव में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद के दम पर बहुमत का आंकड़ा जो है पार नहीं किया है, और ऐसे में तमाम फैसलों को लेते हुए झिझकना जरूर पड़ रहा है, सोच विचार जरूर करना पड़ रहा है, नहीं तो सहयोगी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।